हेलो फ्रेंड्स, आज हम सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये मेरा बॉर्डर वाला कपड़ा है, ठीक है, गर्म सूट है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे तो इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। 36 इंच इसकी लेंथ है। जो मोरी हमने रखनी है, जिसको पोंचा बोलते हैं, वो 7 इंच का रखना है। तो बेल्ट हमारी है 23 इंच की, हमने तैयार बेल्ट रखनी है, ठीक है। बेल्ट की कटिंग हम 24 इंच की करेंगे, लेकिन 23 इंच हमारी तैयार होनी चाहिए। तो इसका जो चौड़ाई है इसकी, वो है 30 इंच की, ठीक है। टोटल चौड़ाई इसकी 30 इंच की है, ठीक है। लेंथ इसकी है 3.5 मीटर। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है। बॉर्डर का नीचे वाला हिस्सा छोड़ते हुए लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमने लेनी है 34.5 इंच की, ठीक है। 34.5 इंच की लेंथ लेंगे, और उसके बाद हमने बेल्ट अलग से कटिंग करनी है 8 इंच की, ठीक है। चौड़ाई 8 इंच की होनी चाहिए और लंबाई जो 24 इंच की होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये लेंथ मैंने कटिंग कर ली है। 34.5 इंच की लेंथ कटिंग कर ली है, और इसके दो हिस्से हमने कट करने हैं, ठीक है। एक मैंने कट कर लिया है, और इसके ऊपर ऐसे रखते हुए दूसरा पार्ट भी हम कट कर लेंगे। तो 34 इंच के हमने दो पार्ट कट कर लिए हैं, 34.5 इंच के। तो इस तरीके से ये देखिए कटिंग हो गई है। ये 34.5 इंच के दो पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी साइड में जो, मतलब इतना घेरा काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसको डबल फोल्ड करके देंगे तो 15 इंच इसका घेरा आ रहा है, ठीक है। तो इतना घेरा काफ़ी नहीं है, हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये साइड में मैंने ऐसे फोल्ड किया है कपड़े को, चार चार हिस्सों में इसको भी फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है कपड़े को। अब देखेंगे इसका घेरा कितना बन रहा है। टोटल घेरा हमें 25 इंच चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको ऐसे फोल्ड करा, लेकिन फिर भी हमारा घेरा जो है वो कम आ रहा है। तो फिर भी हम इस तरीके से इसकी कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पोंचा लिया है 7 इंच का, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको नाप के देखेंगे, तो ये घेरा बहुत अभी भी कम आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अभी हमने इसको फिर से खोलेंगे, कपड़े को जो हमने जोड़ लगाने के लिए फोल्ड किया है, इसको हमने फिर से खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा घेरा पूरा नहीं है, अभी 25 इंच पूरा नहीं है, 24-25 आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा घेरा जो है वो कम आ रहा है। तो इसको, कपड़े को मैंने खोल दिया है। पहले मैंने 4 फोल्ड करी थी, अब मैंने 2 फोल्ड किए हैं इसमें। तो जो हमारे पोंचे थे उसका जो घेरा था वो 15 इंच का था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 13 इंच घेरा लेना है, क्योंकि तैयार घेरा मुझे 25 इंच चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 13 इंच घेरा लूँगी, मतलब टोटल 27 इंच बन जाएगा हमारा। तो 2 इंच हमारा जो सिलाइयों में जाएगा, तो तैयार हमारा घेरा जो बन के सलवार तैयार होगी वो 25 इंच का घेरा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 13 इंच का यहाँ पे जोड़ लगाना है, ठीक है। मतलब इसको कुंदे भी कह सकते हैं। तो 13 इंच का मैंने चौड़ाई ली, और 10 इंच का मैंने आसन लिया है, ठीक है। आसन थोड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि 9.5 इंच भी आसन जो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा दिया है आसन को, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच आसन लिया है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ लेनी है, कुंदे की लेंथ जो लेनी है, वो मैंने ली है 27 इंच की, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे, लेंथ को हमने आसन के साथ ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा कुंदा एक साइड का कट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 27 इंच की आएगी कुंदे में, ठीक है। तो अब इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब एक कुंदा मेरा कट हो गया है। अब इसी को हमने दूसरी साइड में ऊपर की तरफ रख देना है, सेट करते हुए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, दूसरा कुंदा भी हम कट करेंगे। मतलब टोटल हमने 4 पल्ले कट करने हैं। तो ये 2 मैंने कट कर दिए हैं। अब 2 मैं अब इसके ऊपर ऐसे सेट कर दूंगी कुंदे को, ठीक है। आप इसको कुंदा भी बोल सकते हैं, जोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अच्छे से आप इसको सेट कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से सलवार बन जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी सलवार आई है बॉर्डर वाली, तो आप इसको इसी तरीके से कटिंग करके आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो स्टिचिंग मैंने इसमें नहीं बताई है, जैसे नॉर्मल सलवार की स्टिचिंग करते हैं, जैसे पहले हमने जोड़ स्टिच करने हैं, और सबसे पहले हमने आसन स्टिच करा, फिर हमने जो इसके जोड़ हैं, कुंदे हैं, उनको स्टिच कर दिया, उसके बाद हमने बेल्ट चोने डालनी है, उसके बाद हमने बेल्ट लगानी है। तो इस तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग भी मैंने
वीडियो बनाई है स्टिचिंग के ऊपर भी, आप उसको भी देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप सर्च कर लें और आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये जोड़ कट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये वाली जो साइड की कटिंग है पोंचे की, वो भी हम कट कर देंगे। तो कैमरा में आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमने कटिंग करी है। कपड़ा काफ़ी हैवी हो जाता है तो इसलिए मैंने दो दो पल्ले जो हैं वो कट किए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार की कटिंग है वो हो जाती है, ठीक है। ये जोड़ भी हमारे कट हो गए हैं, इसको भी बीच सेंटर से हम कट कर देंगे। हमारे जो चार पल्ले हैं कुंदे के वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से सलवार की कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से सलवार की कटिंग करिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूर करके दिखाया है कैमरा, तो ये देखिए पूरी सलवार आपको दिख जाएगी, इस तरीके से मैंने कटिंग करी है, ठीक है। तो ये चार पल्ले कुंदे के हैं और चार पल्ले हमारे पोंचे के हैं। तो इस तरीके से ये कटिंग हो चुकी है, अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो बेल्ट की कटिंग भी हम करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लिया, और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमने 8.5 इंच ली है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा कन्नी वाला है तो कन्नी हम कट कर देंगे, तो 8 इंच की बेल्ट हमारी रह जाएगी। यहाँ पे मैंने जो लेंथ ली है वो 24 इंच की ली है, ठीक है। आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो हमारी जो बेल्ट तैयार बनेगी वो 23 इंच की बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी है, ये कन्नी भी कट कर दी है। तो ये 8 इंच की बेल्ट हमारी, चौड़ाई मैंने 8 इंच की रखी है और लंबाई मेरी 24 इंच की है, ठीक है। तो ये देखिए आधा इंच हमारा सिलाई में गया, तो 23 इंच की हमारी तैयार हो जाएगी बेल्ट। तो बेल्ट भी कटिंग हो गई है, सलवार भी कटिंग हो गई है। तो ये हमारा पोंचे के नीचे लगेगा कपड़ा वो है, तो इसका फाइनल लुक में आपको कैसी बन के तैयार हुई है। तो ये सलवार का फाइनल लुक है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट